1547 में आज ही के दिन इवान चतुर्थ रूस का जार बना। 1556 में आज ही के दिन फिलिप द्वितीय स्पेन के सम्राट बने। 1761 में आज ही के दिन पांडिचेरी से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का अधिकार हटा दिया। 1769 में आज ही के दिन कलकत्ता के अकरा में पहली बार सुनियोजित घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। 1901 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी समाज सुधारक विद्वान और न्यायविद महादेव गोविंद रानाडे का निधन हुआ। 1926 में आज ही के दिन प्रसिद्ध संगीतकार ओपी नैयर का जन्म हुआ। 1943 में आज ही के दिन इंडोनेशिया के अम्बोन द्वीप पर अमेरिकी वायुसेना का पहला हवाई हमला हुआ। 1947 में आज ही के दिन विंसेंट ऑरियल फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। 1955 में आज ही के दिन पुणे में खड़गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। 1969 में आज ही के दिन सोवियत अंतरिक्ष यानों सुयुज 4 और सुयुज 5 के बीच पहली बार अंतरिक्ष में सदस्यों का आदान प्रदान हुआ। 1989 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने मंगल ग्रह के लिए 2 साल के मानव अभियान की अपनी योजना की घोषणा की। 1992 में आज ही के दिन भारत एवं ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई। 1996 में आज ही के दिन हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 100 से अधिक नई आकाश गंगाओं को खोज निकालने का दावा किया। 2003 में आज ही के दिन भारतीय मूल की कल्पना चावला दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई। 2006 में आज ही के दिन समाजवादी नेता माइकल बैशलेट चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गयी। 2009 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश को हराकर मुंबई ने रिकॉर्ड 38वीं बार रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती।